तो सुबह 9 बजे तक जितना मतदान हुआ है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो 9% 9 बजे तक जो मतदान हुआ है कहीं ना कहीं संतोषजनक माना जाएगा, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में भीषण गर्मी का दौर जारी है और जैसे जैसे समय जो है गुजरता जाएगा निश्चित तौर पर जो प्रतिशत है वो जरूर ज्यादा होगा। तो चलिए इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, जरा इस बारे में अपडेट ले लेते हैं। आशीष, सुबह 9 बजे तक अगर बात करें तो पूरे प्रदेश भर की जो 13 लोकसभा सीट हैं, लगभग अगर कहा जाए तो जो वोटिंग हुई है उसे संतोषजनक ही कहा जाएगा, क्योंकि गर्मी का जो दौर है वो लगातार जारी है। निश्चित तौर पर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा अमित कि लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर के राजस्थान में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं जिनमें से पहले चरण में 13 सीटों पर आज मतदान किया जा रहा है। 115 प्रत्याशी मैदान में हैं और अगर ओवरऑल बात करें तो पूरे राजस्थान की जो 13 सीटें हैं जिन पर मतदान जारी है 13.51% मतदान हो चुका है। लेटेस्ट अपडेट आपको बता दें 13.5% से ज्यादा मतदान हो चुका है, 9 बजे तक के डेटा अपडेट हुए हैं। और साथ ही अगर बात करें तो छिटपुट घटनाएं शुरुआत में देखने को मिली थी, कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम की तकनीकी खराबी की सूचनाएं मिली थी, साथ ही साथ कुछ मतदान केंद्रों पर एजेंट थे वो भी नहीं पहुंचे थे जिसके चलते मतदान देरी से शुरू हुआ था। इसके अलावा बताना चाहेंगे कि इस बार जो टाइम है वो 7 बजे से किया गया है, तो जाहिर तौर पर 9 बजे तक जो पोलिंग परसेंटेज है वो 13.5% हुआ है। उसमें दो रीजन है, पहला 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और साथ ही साथ दूसरा गर्मी का मौसम है, तो इस मौसम के चलते लोग सुबह पहले ही वोट डाल करके फ्री होना चाहते हैं और जो मौसम है गर्मी तपिश से बचने के लिए सुबह शुरुआती जो रुझान है काफी अच्छा उत्साह देखा जा रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो 13 सीटों पर किसी भी सीट पर 10% से कम मतदान नहीं है, सभी सीटों पर 12-13-14% मतदान हुआ है, तो इसे उत्साह का एक संकेत माना जा सकता है। जिस प्रकार से तैयारी की थी निर्वाचन विभाग ने उसका परिणाम देखने को मिल रहा है, कोई बड़ी घटना हिंसक घटना नहीं देखने को मिली, हालांकि छिटपुट घटनाएं जरूर सामने आई है कुछ एक मतदान केंद्रों पर, लेकिन प्रशासन ने तत्काल एक्शन लेते हुए उन तमाम जगहों पर मोर्चे को संभाल लिया है। कुछ जगह ईवीएम की बैटरी की गड़बड़ी की भी शिकायतें आई थी, उनको भी दुरुस्त किया जा चुका है और अब मतदान अपने परवान पर है। शेष 12 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होगा, राजस्थान की 12 सीटों पर 6 मई को मतदान किया जाएगा और मतगणना 23 मई को होगी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया आशीष। हमारे संवाददाता आशीष तिवारी हमें ये ताज़ा अपडेट दे रहे थे और सबसे खास बात तो यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि जो अभी तक सुबह 9 बजे तक जो मतदान हुआ है उसका जो प्रतिशत है वो 13% से ज़्यादा यहाँ पर हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक संतोषजनक इसे जरूर कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर है और लगभग अमूमन सभी शहरों की बात करें तो 40 डिग्री से ज़्यादा का तापमान सभी शहरों में है, उसके बावजूद भी लोग अपने घरों से यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं। और ये तो हालांकि शुरुआती ये रुझान है सुबह 9 बजे का, क्योंकि सुबह शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये जो परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ेगा। लेकिन फिर भी एवन टीवी बार बार आप लोगों से यही अपील करता है कि आप अपने घरों से बाहर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि सरकार जो बनती है वो चौराहों पर बातें करने से नहीं होती है, आपके अमूल्य जो वोट है वो देने से बनती है। तो ये जो समय है ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय है, पार्टी कोई भी हो, कोई भी प्रत्याशी हो, लेकिन हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग हो और एक सशक्त लोकतंत्र बने, उसके अलावा एक सशक्त सरकार भी बने।